हेलो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको चूटोनाथ मंदिर दुमका का यात्रा कराने जा रहे हैं, जो कि जो भी भक्त चूटोनाथ मंदिर में जाते हैं सर्वप्रथम शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और आज के दिन ही चूटोनाथ मंदिर में अठमंगला पूजा था जो कि 21 अप्रैल 2024 को हुआ। तो अठमंगला पूजा और तमाम मंदिरों का दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। तो ये चूटोनाथ मंदिर का चारों ओर का दृश्य देख सकते हैं और ये चूटोनाथ मंदिर में प्रसाद और चुनरी फूल वगैरह यहीं से लिया जाता है जो कि चूटोनाथ मंदिर में मिलता है। और ये चूटोनाथ मंदिर का शिव मंदिर जहाँ पे भक्त सर्वप्रथम पूजा करने जाते हैं, ये देख सकते हैं शिव मंदिर में लोग पूजा कर रहे हैं और शिव मंदिर के जस्ट सामने में माँ पार्वती का मंदिर है और बहुत सारा मंदिर आसपास में विराजमान है। तो फिर जो भी भक्त जाते पहले शिव मंदिर और उसके आसपास की तमाम मंदिरों की पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद चूटोनाथ बाबा का दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। और चूटोनाथ बाबा का मुख्य प्रसाद आपका दारू और चावल है जो कि चावल से फुलास भी करते हैं। और ये बड़ का पेड़ जहाँ पे लोग मन्नत मांगते हुए चुनरी बांधते हैं और बड़ पेड़ के बगल में दो खूटा गड़ा हुआ, उसी के बीच में चड़क पूजा में लोग आग में चलते हैं, कांटा में चलते हैं। और ये काली माँ का मंदिर चूटोनाथ मंदिर में और देख सकते हैं गणेश जी का मंदिर है, गणेश भगवान और भी काली माँ दुर्गा माँ और भी बजरंगबली, ये नंदी बाबा का काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा बना हुआ है चूटोनाथ मंदिर में। तो देख सकते हैं ये वहाँ पे अंधे व्यक्ति गाना गाते हुए जो भी हो सके इनका मदद करे जो लोग जाते हैं चूटोनाथ मंदिर में। तो ये चूटोनाथ बाबा जो कि अभी अठमंगला पूजा के कारण बाहरी भक्तों का प्रवेश रोका गया है, जो अठमंगला पूजा है वो वहाँ के पुरोहितों द्वारा पहले संपन्न करने के बाद ही बाहरी भक्तों का प्रवेश वहाँ पे किया जाएगा। और ये जो सामने का एरिया देख रहे हैं यहीं पे बलि दिया जाता है बकरों का चूटोनाथ बाबा में। तो यहाँ अभी अठमंगला पूजा होने के बाद भक्तों का बाहरी पूजा शुरू होगा और पाठा का बलि प्रथा भी शुरू होगा। तो ये देख सकते हैं चूटोनाथ बाबा में लोग पूजा करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और अठमंगला पूजा के लिए वहाँ के पुरोहित आते हुए अपने देवता को लेकर, तो देख सकते हैं पुरोहित आ रहे हैं, इन्हीं पुरोहितों के द्वारा अठमंगला पूजा किया जाएगा। फिर उसके बाद लोगों का, बाहरी लोगों का, बाहरी भक्तों का पूजा के लिए प्रवेश शुरू किया जाएगा। तो पुरोहित आ रहे हैं और वहाँ पे अठमंगला पूजा पुरोहितों द्वारा किया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, पूरा अठमंगला पूजा वहाँ के पुरोहितों का आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। वहाँ सिंदूर चढ़ाते हैं और जो भी अठमंगला पूजा में चढ़ाने का वो भक्तगण और वहाँ के पुरोहित चढ़ाते हैं, भक्तगण उसके बाद पूजा अर्चना के लिए आगे आएंगे। वीडियो में देख सकते हैं पुरोहित और स्थानीय वहाँ पे अठमंगला पूजा के लिए आ चुके हैं और जो देवता है उनके उनको वहाँ पे रखते हुए और अठमंगला पूजा के लिए घंटे को बजा रहे हैं वहाँ के स्थानीय और पुजारी। तो पुजारी द्वारा वहाँ विधिवत अठमंगला पूजा को संपन्न किया जाएगा और तत्पश्चात वहाँ बाहरी भक्तों का प्रवेश किया जाएगा। देख सकते हैं सिंदूर वहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि चूटो बाबा आप सब में कृपा बनाए रखेंगे और जय चूटो बाबा सारे लोग में कृपा बनाए रखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें इस वीडियो को। तो अठमंगला पूजा का देख सकते हैं वहाँ सिंदूर लगा के और ये चावल से वहाँ पूजा किया जाएगा। ये दारू वहाँ का जो है मुख्य प्रसाद है दारू और चावल, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था। तो देख सकते
सकते हैं। उसके बाद बाबरी भक्तों का प्रवेश हो चुका है पूजा के लिए, जो लोग कर रहे हैं अपना बारी आने पे। धन्यवाद, शेयर करें।